फ्रेंड्स, आज मैं पिटोनिया फ्लावर का बीज दिखाऊंगी। और ये जंगली पिटोनिया है, बहुत ही सुंदर फूल इसमें इस समय खुले हुए हैं और काफ़ी लंबे समय तक इसमें फूल आते रहते हैं, अगस्त के लास्ट लास्ट तक। और मैंने इसके फूल बीज हैं जो तोड़ कर रखे हुए हैं, ये देखो ये सूख गया है। और एक ही बीज में मतलब कि ढेर सारे बीज तैयार होते हैं, देखो बहुत ही बारीक है। और हमें नमक बीज इसका ले आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इन्हीं से हम हर साल नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। और मैंने ये निकाल कर रखे हैं, कुछ तो अपने आप ही ये बीज मतलब झड़ जाते हैं, तो और सीजन आने पर वहाँ पे नया प्लांट अपने आप उग जाता है। देखो बहुत ही बारीक है। और मैं इस समय इसके बीज इकट्ठे कर रही हूँ ताकि अगले साल मैं इनको फिर से नए प्लांट तैयार कर सकूं। और ये जंगली बिटोनिया जो गमले में तो इतना बड़ा, और अगर ज़मीन में लगाओ तो और ही बड़ा हो जाता, काफ़ी घना हो जाता है और काफ़ी भरा होता है। इसमें काफ़ी फूल आ रखे थे पहले और इस समय भी आ रहे हैं, बीज भी आ रहे हैं, साथ ही साथ बीज भी इसके निकल रहे हैं। और आप इन बीजों को संभाल के रख सकते हैं। ये देखो हरा है, अभी कच्चा है, इसको रखेंगे तो ये अभी मतलब कि ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। बहुत ही बारीक है, देखो थोड़े दिनों बाद अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें भी ऐसे काले काले बीज छोटे छोटे बहुत ही बारीक से पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज इनके बीज निकाल कर इसका वीडियो बनाती हूँ। ये वाइट रंग का है, मैंने सबके तोड़ कर रखे हुए हैं और सीजन आने पर इनके प्लांट तैयार कर लूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे।